हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और मुझे लगा कि ये बिल्कुल राइट टाइम है कुछ राखी की शॉपिंग करने का या कुछ ऐसी लुक्स क्रिएट करने का जो राखी के लिए आपके लिए परफेक्ट रहेंगी। एंड आई एम श्योर कि जितनी भी लुक्स आज आप देखने वाले हो इस वीडियो के अंदर, पहले से ही या तो आपके पास इस किस्म के कुर्ता सेट्स होंगे तो आप ऐसी लुक्स को क्रिएट कर सकते हो राखी पर, या बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद परचेज कर सकते हो इन आउटफिट्स को, क्योंकि अभी अमेज़ॉन के ऊपर बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स एंड डील्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं। और इन आउटफिट्स के सारे परचेजिंग लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसा कि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैं इस चैनल के ऊपर स्टाइलिंग वीडियोस जो हैं ज़्यादा बनाऊं, तो आपको बिल्कुल इस वीडियो के अंदर स्टाइलिंग टिप्स भी हैं जो मैं देने वाली हूँ। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। तो पहली लुक मैंने क्रिएट करी है इस पाउडर ब्लू कलर के कुर्ता सेट के साथ। तो ये आपको थ्री पीस में मिलता है जिसमें आता है कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा। और जो कुर्ते के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है वो वाइट एंड सिल्वर कलर से है। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इस एम्ब्रॉयडरी के अंदर आपको बहुत ही महीन मिरर वर्क भी है जो दिया गया है। ये कुर्ता सेट आपको थ्री पीस में मिलता है जिसमें आपको मिलेगा कुर्ता, साथ में आएगी ये सलवार और इसके साथ आता है ब्यूटीफुल सा दुपट्टा। कुर्ते की जो स्लीव्स हैं काफी डिफरेंट हैं और ये आपको ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंबाइंड लुक क्रिएट करने में हेल्प करेगा। जो बॉटम इसके साथ आती है उसमें आगे पीछे इलास्टिक है तो काफी कंफर्टेबल रहेगा। और बॉटम जो है बहुत घेरे वाली सलवार नहीं है, ये इस किस्म की सिल्वेट है जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। और इस कुर्ता सेट के साथ जो दुपट्टा आता है उसकी लेंथ एंड विड्थ जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है और फैब्रिक जो है वो है मल कॉटन। और पाउडर ब्लू और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपकी बहुत मदद करता है फेमिनिन लुक्स क्रिएट करने में। और अब बात करते हैं स्टाइलिंग की, तो मैंने क्रिएट की है एक बहुत ही सॉफ्ट सी लुक इसके साथ। मैंने पहनी है यहाँ पर अपनी वाइट बैंगल्स जो कि सिल्वर कॉम्बिनेशन में है, साथ में मैंने पर्ल इयररिंग्स पहने हैं, सिल्वर क्लच लिया है और सिल्वर स्लिपर्स के साथ इस लुक को कंप्लीट किया है। और मुझे लगता है कि इस राखी आपको इस लुक को जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये लुक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो फेस्टिवल्स के ऊपर ब्राइट कलर्स ही पहनना चाहते हैं, क्योंकि ये है एमरल्ड ग्रीन कलर में एक ऐसा कलर जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग का ये कुर्ता सेट है लेकिन जो इसका फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा थिक फैब्रिक है, आप इसे कॉटन मेटी फैब्रिक बोल सकते हैं, ये प्योर कॉटन नहीं है। तो जो भी ट्रांजिशन वेदर्स होते हैं उसमें इस तरीके के कुर्ता सेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कुर्ते के योक के ऊपर गोटे की डिटेलिंग है जो दी गई है जो इसको एक सेमी फॉर्मल लुक जो है देती है। और जो पैंट्स इसके साथ आती हैं वो स्लिम फिट सिल्वेट में है, आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है, काफी कंफर्टेबल सी पैंट्स हैं। और इसके साथ आता है ये दुपट्टा जिसकी की जो लेंथ एंड विड्थ है बहुत ज्यादा नहीं है, एक नॉर्मल लेंथ एंड विड्थ है। ये दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है और ये इस किस्म का कुर्ता सेट है जिसको आप वर्क वेयर के लिए भी यूज कर सकते हो। और जब राखी जैसे फेस्टिवल्स आए तो आप बिल्कुल इनको कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्मल वेयर में। मैंने इस कुर्ता सेट को उन लोगों को ध्यान में रखकर स्टाइल किया है जो कि काफी सिंपल एंड एलिगेंट ड्रेसिंग को पसंद करते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पर बेज कलर की प्लेटफॉर्म हील्स पहनी है और साथ में मैंने कुछ डेलिकेट ज्वेलरी पहनी है। और जब भी आप डेलिकेट ज्वेलरी पहनते हैं किसी भी आउटफिट के साथ, चाहे आउटफिट का कलर काफी बोल्ड हो, तब भी आप एक सॉफ्ट लुक जो है क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह। और नेक्स्ट लुक को बिल्कुल आप कह सकते हैं मेरा पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल। मुझे इस किस्म की सॉफ्ट लुक्स जो है बहुत ज्यादा पसंद है। और जो ये कुर्ता सेट है इसमें आपको मिलता है कुर्ता एंड पैंट्स, इसके साथ दुपट्टा नहीं है, तो बहुत ही केयरफ्री लुक है जो आप क्रिएट कर सकते हो। ट्रेडिशनल होते हुए भी लुक जो है काफी ज्यादा मॉडर्न है। कुर्ते में व्हाइट क्रीम कलर से बहुत ही महीन एम्ब्रॉयडरी है जो की गई है और कुर्ते का जो फैब्रिक है उसमें सिल्वर लाइंस हैं जो आपको नजर आती हैं, जो कि डेफिनेटली इसको एक फॉर्मल लुक देने में हेल्प करती हैं। सिंपल कॉलर्ड नेकलाइन है और आगे शेल बटन्स की डिटेलिंग है। स्लीव्स के ऊपर भी आपको क्रोशा की डिटेलिंग दी गई है और जो इसका बॉटम है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि इसके बॉटम में कटवर्क का काम है जो किया गया है। कुर्ते का जो फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट वाला कॉटन है। जिन लोगों को भी काफी ब्रीदेबल फैब्रिक चाहिए होता है, काफी एयरी फैब्रिक चाहिए होता है, तो काफी परफेक्ट चॉइस हो सकती है ये आपके लिए। और इसके साथ जो पैंट्स आती हैं बहुत ही सॉफ्ट कॉटन रेयन मटेरियल की हैं, इसमें आगे पीछे इलास्टिक है, काफी कंफर्टेबल सी बॉटम है और बॉटम में भी आपको क्रोशे की डिटेलिंग दी गई है।
और इस लुक में स्टैंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कुछ स्टेटमेंट एक्सेसरीज का। मैंने यहाँ पर लॉन्ग पर्ल इयररिंग्स पहने हैं और काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज की रिंग पहनी है पर्ल की। और लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर पॉइंटेड हील्स पहनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंसी हैं, और ओवरऑल लुक जो है काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है राखी के लिए। तो जब भी मेरे क्लाइंट कुछ बॉडी इश्यूज को फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि वो प्रिंट में और कुछ ब्राइट डार्क कलर्स में जो है इन्वेस्ट करें। तो बिल्कुल जो नेक्स्ट आउटफिट है उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लग रहा है कि हम आजकल थोड़े मोटे हो गए हैं या आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। वैसे मुझे ऐसा लगता है हम जिंदगी के हर फेज में खूबसूरत ही लगते हैं जब तक हम खूबसूरत फील करते हैं, लेकिन अगर बाहरी दुनिया की बात करें जो हम नजर आते हैं तो बिल्कुल आप अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हैं ऐसे पीरियड के दौरान। और ये जो कुर्ता सेट है वो है ब्लैक एंड रस्ट कलर के प्रिंट में, बहुत ही सॉफ्ट सा कॉटन रेयन फैब्रिक है। और ये कुर्ता सेट जो है आपको 3 पीस में मिलता है, कुर्ता, प्लाजो एंड दुपट्टा। और मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मैं कुर्ते की फैब्रिक क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि पहनने के बाद जो फील था इस कपड़े का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फिट का ये कुर्ता है जिसके साथ की जो पैंट्स आती हैं उनमें आगे पीछे इलास्टिक है तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और जो पूरा कुर्ता सेट है वो मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन में है, और जो दुपट्टा इसके साथ आता है उसका फैब्रिक है कॉटन मर्ल, काफ़ी अच्छी लेंथ एंड विथ है इस दुपट्टे की, और फैब्रिक जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और इससे पहले कि हम स्टाइलिंग की बात करें, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये एक बिल्कुल कैजुअल सिंपल एक ऐसा कुर्ता सेट है जिसको हम ज़्यादातर पहनना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसे कुर्ता सेट्स को स्टाइल करना है कुछ ओकेजन वेयर के लिए तो आपको यूज़ करना होगा स्टेटमेंट ज्वेलरी का। और आप देखेंगे कि आप कितनी ईजिली एक अच्छी लुक क्रिएट कर पाएंगे बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जंक पीसेस का यूज़ किया है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट कलर को जंक ज्वेलरी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। और जब आप फेस्टिवल्स के लिए स्टाइल करें अपने कुर्ता सेट्स को तो बिल्कुल मत सोचिए कि ज्वेलरी आप ज़्यादा पहन रहे हैं, आप बिल्कुल पहन सकते हैं इस किस्म के कुर्ता सेट्स के साथ ज़्यादा ज्वेलरी। मैंने यहाँ पर ये लॉन्ग नेक पीस पहना है, साथ में बैंगल्स भी पहनी है, और कुर्ता सेट को एक फॉर्मल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर हाई हील्स को भी कैरी किया है, और लुक को मैंने कंप्लीट किया है इस सिल्वर क्लच के साथ। और इस लुक को देखने के बाद आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि कितना जरूरी होता है हमारे पास अच्छी एक्सेसरीज का होना। और जो नेक्स्ट लुक है वो मैंने क्रिएट की है इस कॉटन अनारकली के साथ, और जो इस किस्म की सिल्वेट होती है वो काफी ज्यादा परफेक्ट रहती है पियर शेप बॉडीज के लिए, या अगर आपके लोअर एब्डोमेन में फैट है तो आप बिल्कुल इजीली इस किस्म की सिल्वेट्स के साथ हाइड कर सकते हो अपने फैट को। और इस अनारकली कुर्ता के योग पर आपको सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग दी गई है, काफी महीन डिटेलिंग है, 3/4 स्लीव्स हैं जिसमें भी आपको गोटे की डिटेलिंग दी गई है, और जो फ्लेयर है अनारकली का वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, और बॉटम के ऊपर आपको गोटा की डिटेलिंग है। पूरे कुर्ता सेट का जो फैब्रिक है वो है प्योर कॉटन, और जो पैंट्स आती हैं इसके साथ उसमें आगे पीछे इलास्टिक है, और बॉटम के ऊपर प्रिंट की डिटेलिंग दी गई है, और ये काफी स्लिम फिट का बॉटम है जो बहुत ज्यादा आपको एक बैलेंस्ड लुक क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और इस कुर्ता सेट के साथ आपको दुपट्टा नहीं स्टोल दिया गया है, और जो मटेरियल है इस स्टोल का वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है और कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंट में ये स्टोल है। और इस लुक को स्टाइल करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किए हैं अपने कुछ फेवरेट ज्वेलरी पीसेस। मैंने पहने हैं ये ओवरसाइज स्टेटमेंट झुमकाज, और साथ में मैंने पहनी है ये ओवरसाइज रिंग, सिल्वर स्लिपर्स और सिल्वर क्लच के साथ मैंने पूरे लुक को कंप्लीट किया है। एंड आई होप कि मेरा आज का वीडियो मदद करेगा आपके स्टाइल को अपग्रेड करने में। वैसे कुछ पर्सनलाइज सेशंस अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हैं Instagram पर, मेरा हैंडल है thehopestoryofficial, और उस सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जो आउटफिट्स आपने देखी हैं उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक स्टाइलिंग वीडियोस ज्यादा लेकर आऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही दिशा देते हैं मेरे चैनल को। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे एनकरेज करने के लिए। और मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।